हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। आपने कई किताबों में या कई कहानियों में पढ़ा होगा या सुना होगा कि पौधों को भी पुत्र की तरह पाला जाता है, लेकिन ये वाकई में सत्य है। ऐसे ही नज़ारा देखने को मिलता है नरसिंहगढ़ के सोना कुंज के पास में। जी हाँ, नरसिंहगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध आश्रम परिवार और सर्व सनातन संवर्धन परिवार नरसिंहगढ़ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर स्थित सोना कुंज के सामने पौधे लगाए गए। पौधे फोटो खिंचाने के लिए नहीं, जो आजकल चलन में है, ऐसा नहीं, बल्कि उन पौधों को लगाया भी गया। वो बड़े होकर वृक्ष बने और हमको शुद्ध ऑक्सीजन दे, इस हेतु उन पौधों में निरंतर पानी डाला जाता है। उनकी फेंसिंग की गई ताकि कोई भी आवारा जानवर उनको खा ना पाए और वो वृक्ष का आकार ले सके। इस हेतु संगठन के सदस्य निरंतर उनकी देखरेख करते हैं, उनमें खाद बीज डालते हैं, पानी डालते हैं और उनकी कर रहे हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन लोगों ने यही किया और ये नज़ारा वाकई में अपने आप में अद्भुत है, जो चरितार्थ करता है कि ये उन पौधों की परवरिश एक बेटा जैसे अपने पुत्र की करता है, उसी तरह से कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण ही हमारा जीवन है और ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़े, इनका मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद।